थाने में का छीन ले हैं कुल मंगलसूत्र देख ले छीन ले हैं। कौन छीना है? पुलिस वाले। यहाँ पे जो है हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई अस्तित्व तो नहीं, कोई मतलब नहीं। घर घर भगवान लहराएगा। इतना मतलब हिंदू समाज गिर गया है, इतना मतलब हिंदू समाज कमजोर हो गया है कि वो अपने लिए एक मंदिर नहीं बना सकता। जब लाठी चार्ज हुआ था तो महिला पुलिस थी या नहीं थी? महिला नहीं रही है। और हमारे सामने पुलिस प्रशासन बल की टीम भी मौजूद है। जय श्री राम। नमस्ते, जय हिंद। यूपी जी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र में आम आदमियों के बीच में मचा हाहाकार है। हमारे फ्रेम में आप जो दिख रहे हैं ये महिलाएं हैं, ये ना तो किसी आवास के लिए इकट्ठा हुई हैं और ना ही महिला पेंशन के लिए इकट्ठा हुई हैं, ना ही अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इकट्ठा हुई हैं। इन तमाम महिलाओं को देखिए, ये हिंदू समाज की महिलाएं हैं और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखने के लिए ये लोग पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। इनका आरोप ये है पनियरा थाना के प्रशासन पुलिस द्वारा मूर्ति रखने नहीं दिया जा रहा है। आज मूर्ति रखा गया है, पुलिस द्वारा उस मूर्ति को उठा करके अपने साथ थाने लेके चली गई। वही महिलाओं का आरोप यह भी है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। हम बातचीत करेंगे इन महिलाओं से। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या घटना घटा है यहाँ पे, क्यों आप लोग इकट्ठा हुई है? घटना ही बा कि मतलब बजरंग बली मूर्ति धरक सोचली सब है ले गईली है तो पुलिस वाले मारे लगना है लेडीज के, मतलब जींस मान ले है लेडीज नहीं है वहाँ। कि पुलिस क्यों मार रही है आप लोगों को? जिस जगह पे लोग मूर्ति रख रहे हैं कैसा जगह है वो? खनियार है। क्या हुआ था? पुलिस आपको भी मारी है? हाँ, हमको पुलिस मारी। कहाँ चोट लगा आपको? हम बाएं में, हाथ में लगा है। थाने में का छीन ले हैं कुल मंगलसूत्र देख ले छीन ले हैं। कौन छीना है? पुलिस वाले। पुलिस वाले छीन के लगा है। हाँ। महिला पुलिस थी? हाँ, नहीं नहीं। लाठी चार्ज हुआ आप लोगों को? हाँ। झूठ नहीं ना आप लोग बोल रहे हैं? नहीं। जब लाठी चार्ज हुआ था तो महिला पुलिस थी या नहीं थी? महिला नहीं रही है पुलिस। अभी हम मौजूद है महाराजगंज जनपद के थाना क्षेत्र पनियरा के उसी ग्राम सभा में। यही वो जगह है जहाँ पे ग्रामीणों द्वारा मूर्ति का स्थापना किया गया था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीमेंट वगैरह सारा रखा गया है और ग्रामीणों का कहना है कि मूर्ति स्थापित भी हो गई थी लेकिन स्थानीय थाने के प्रशासन के पुलिस द्वारा, प्रशासन के लोगों द्वारा यहां से मूर्ति को निकलवा करके और अपने साथ स्थानीय थाने पे लेकर के प्रशासन गई है। इसी जगह पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के लिए वो लोग पिछले एक सप्ताह से धरने पे बैठे थे। आज आठवां दिन है और यहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि महिलाओं ने मिलकर के मूर्ति की स्थापना भी यहाँ पे कर दी थी लेकिन स्थानीय थाना पनियरा के प्रशासन के लोगों द्वारा आया गया और यहाँ से मूर्ति को अपने साथ लेकर के थाना पनियरा पे प्रशासन चली गई। प्रशासन के पक्ष की बात करें तो उनका कहना ये है कि ये सरकारी जमीन है और जो पूर्व में आवंटन हुआ था ग्राम सभा में जो पानी टंकी लगाई जा रही है सार्वजनिक कार्य के लिए उस पानी टंकी के लिए, लेकिन किसी कारणवश यहाँ से 400 मीटर दक्षिण साइड में उसको पोस्टपोन करके लेके चला गया, वहां पे उस जमीन को आवंटित कर दिया गया जहां पे पानी टंकी का निर्माण होगा। वहीं ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ चार देवताओं का मंदिर है पूर्व में, जो इसी जगह पे काफी दिनों से वो मंदिर स्थापित की गई है, माँ काली का मंदिर है और यही छठ घाट है जहाँ पे पूरे ग्राम सभा के महिलाएं और पुरुष पूजा करने के लिए आते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए यही वो जगह है यहीं पे ग्रामीणों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी लेकिन प्रशासन के लोगों द्वारा उस मूर्ति को यहाँ से उठा करके और स्थानीय थाने पर लेकर के चला जाएगा। महिलाओं का आरोप यह भी है कि प्रशासन के लोगों द्वारा उन पर लाठी डंडे सवार भी किया गया है लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं लेकिन स्थानीय महिलाओं की बात किया जाए और यहाँ के जो और अन्य निवासी है उनकी बात की जाए, उनकी माने तो पुलिस द्वारा उनके ऊपर हाथापाई की गई है, बल का प्रयोग किया गया है और पुलिस की माने तो इस प्रकार की यहाँ पे कोई घटना नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते लेकिन वर्तमान में भी जिस जगह पे मौजूद है आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जा रही थी और हमारे सामने पुलिस प्रशासन बल की टीम भी मौजूद है जो लगातार यहाँ पे बनी हुई है शांति व्यवस्था के लिए। वही इस साइड में आपको दिखाए तो
तो ये सरकारी विद्यालय है और कहा यह जाता है कि ये जमीन है सरकारी विद्यालय की जमीन है। ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि ये मंदिर की जमीन है। रेवेन्यू विभाग की टीम अगर आती है तो सच्चाई का पता तभी लग पाएगा कि आखिरकार ये जमीन है किसकी और इस बात में कितनी सच्चाई है कि पूर्व में इसी जगह पे मंदिर बनवाया गया है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।